व्हीएलसीसी भारतासह जगभरात लवकरच नवीन शाखा तसेच नाविन्यपूर्ण सुविधा देण्यास तत्पर असल्याचे अध्यक्षा वंदना लुथरा यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. 1989 साली स्थापन झालेल्या व्हीएलसीसी फिटनेस सेंटर भारतातच नव्हे तर जगात सुद्धा नाव रूपाला येणार आहे. त्यासाठी आगामी काळात वेगवेगळ्या प्रकारचे तंत्रज्ञान विकसित करणार असल्याचे प्रतिपादन व्हीएलसीच्या संस्थापिका वंदना लुथरा यांनी बुधवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत सांगितले. सो वी आर ट्राइंग टू रेग्युलेट द इंडस्ट्री, ऑर्गनाइज द इंडस्ट्री अँड गिव इट इट्स ड्यू रिस्पेक्ट. सो देयर गोइंग टू बी लॉट ऑफ चेंजेस अँड थ्रू द ब्युटी अँड वेलनेस एसएससी हमारे टारगेट सेटअप है जो एनएसडीसी ने हमारे टारगेट सेटअप किए हैं, जिसमें हम इस साल भी कोई 3 लाख बच्चे ट्रेन करेंगे जो इंडस्ट्री में उनको हम और उनको ट्रेन भी करेंगे और उनको जॉब्स भी दिलवाएंगे और साथ साथ जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं और जो चाहते हैं अपने सलून या कुछ खोलना उनके लिए फंडिंग भी हम अरेंज करते हैं. सो वी आर इन टू अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड अब वीएलसीसी अगले साल यूके में भी खुलने वाला है. सो I think the more and more countries we get into, the more and more exposure we have and the more and more confidence we get. So we work with more than 39 different nationalities. So usme jo PLCC ka jo transformation journey, kyunki ye mere liye bhi ek bahut hi transformation journey raha hai. Ek you know maa se leke ek pehle main biwi bani, fir main maa bani, fir main ek entrepreneur bani. तो मैं ये समझती हूँ जो ये हमारे कस्टमर्स आते हैं, दिस इज अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी फॉर देम बिकॉज वीएलसीसी लुक्स एट एवरी प्रॉब्लम फ्रॉम हेड टू टो. सो इट्स नॉट ओनली अबाउट लूजिंग वेट, इट्स अबाउट फीलिंग गुड. हर इंसान को चाहिए कि वो यू नो इंटरनली दे शुड फील गुड. एंड हाउ डू यू फील इंटरनली गुड इफ यू आर हेल्दी. सो मैं समझती हूँ न्यूट्रिशन इज द मदर. सो इफ यू फॉलो गुड न्यूट्रिशन देन इट टेक्स केयर ऑफ द स्किन, इट टेक्स केयर ऑफ योर वेट. एंड जो हमारे भारत देश में जो आज समस्या जो ओबेसिटी की है, क्योंकि ओबेसिटी इज बिकम लाइक अ एपिडेमिक इन सोसाइटी एंड ओबेसिटी रिलेटेड मेडिकल एलिमेंट्स भी हाइपरटेंशन, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, डायबिटीज, ये तो एक अमूमन बात बन चुकी है. सो वीएलसीसी चाहते हैं कि वी शुड एक्चुअली इरेडिकेट ओबेसिटी फ्रॉम आवर सोसाइटी एंड गिव अ न्यू मीनिंग टू पीपल्स लाइफ. एंड फॉर मी आई थिंक टू लिव हेल्दी इज It means everything for me. I think one should, जो हमें ईश्वर ने ये जीवन दिया है, मैं समझती हूँ कि हमारी जो बॉडी है इट्स लाइक अ टेम्पल. सो अगर हम एक्चुअली ईश्वर को मानते हैं तो हमें अपनी बॉडी की इज्जत करनी चाहिए. यही मेरा मैसेज हमेशा रहता है. और हेल्थ इज आर एक्चुअल वेल्थ. हम लोग मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागते हैं और हमेशा यही सोचते हैं कि ये इसी में सुकून है, इसी में हमारा जीवन यही है, जो लग्जरीज है वही जीवन है. पर ये लग्जरीज बड़ी भारतामध्ये लठ्ठपणा कमी करण्यासाठी तसेच विविध शेपिंग पद्धती लवकरच भारतामध्ये उदयास येतील असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. सध्या दक्षिण आशियाई जीजीसी प्रदेश नेपाळ, बांगलादेश, सिंगापूर, भूतान, ओमान, कुवेत आदी देशांमध्ये व्हीएलसीसीच्या शाखा आहेत.